तो हाँ यार, मुझे याद है कि ये भी मेरा एक चैनल है जिसमें जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं अगर मैं रेगुलर कंटेंट डालूं तो। बट यार क्या करूं, टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मुझे बीच बीच में जो भी टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है उस पे मैं वीडियो यहाँ बना देता हूँ। और आज हम बात करेंगे ज़थूरा द स्पेस एडवेंचर की और जानेंगे कि कैसे ये मूवी जुमांजी से कनेक्टेड है। तो देखो, जब द रॉक की जुमांजी का सीक्वल आया था तो उसपे मैंने बताया था कि कैसे सारे जुमांजी की मूवीज कनेक्टेड हैं। एंड कई लोगों ने उसमें कमेंट करके पूछा कि क्या ज़थूरा भी जुमांजी की सीरीज से कनेक्टेड है या नहीं। तो आज हम लोग इसी पे बात करते हैं। अब देखो, जिनको वन वर्ड में आंसर चाहिए कि हाँ या ना, तो हाँ, ज़थूरा भी जुमांजी के यूनिवर्स में है। लेकिन कैसे, इसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ, क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है। ज़थूरा और जुमांजी, ये दोनों ही जो मूवीज हैं उसका प्लॉट बिल्कुल सिमिलर है और दोनों ही एक बोर्ड गेम पे बेस्ड है जो कि रियलिटी को चेंज कर सकती है। पहले थोड़ा इन दोनों मूवीज के बेसिक प्लॉट को डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आपको समझने में इजी हो। तो पहले 1995 में जुमांजी रिलीज हुई, जहां हमने एक भाई बहन की स्टोरी देखी, पीटर और जूडी, जिनको ये बोर्ड गेम मिलता है और वो खेलना स्टार्ट कर देते हैं। और भाई इसके बाद सारे जंगल के क्रिएचर्स एक एक करके बोर्ड गेम से बाहर आने लगते हैं और रियल वर्ल्ड में इनको प्रॉब्लम देने लगते हैं। इसी बोर्ड गेम से बाहर एलन पेरिश का कैरेक्टर भी आता है, जिसने कि 26 साल पहले ये गेम खेला था और गेम के अंदर ही चला गया था। एंड बाद में ये तीनों मिलके ये गेम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि सब कुछ पहले की तरह हो सके। लेकिन यहीं पे फर्स्ट जुमांजी के 10 साल बाद 2005 में ज़थूरा द स्पेस एडवेंचर को रिलीज किया गया, जिसे डायरेक्ट किया था जॉन फेवरियो ने। अगर आपको याद नहीं तो मैं याद दिला दूं कि 2008 में इन्होंने फिर से आयरन मैन की मूवी को डायरेक्ट किया था और एमसीयू की शुरुआत हुई थी, और साथ ही एमसीयू में फिर उन्होंने हैप्पी का कैरेक्टर भी प्ले किया। लेकिन यहाँ हम लोग बस ज़थूरा की बात करते हैं। तो ज़थूरा की स्टोरी भी काफी ज्यादा सिमिलर थी, जहाँ दोनों भाई डैनी और वॉल्टर को ये बोर्ड गेम उनके बेसमेंट में मिलता है और वो इससे खेलना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो और उनकी बड़ी बहन लीजा भी अपने पूरे घर के साथ स्पेस में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इसके बाद उनके सामने तरह तरह के ऑब्स्टिकल्स आते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि यहाँ कोई जानवर नहीं आते, सब कुछ साईफाई जैसा रहता है, स्टार वॉर्स मूवी टाइप। स्पेस में ही उनके पास एलन पेरिश की तरह एक एस्ट्रोनॉट का कैरेक्टर भी आता है हेल्प करने के लिए, जिसके बारे में बाद में पता चलता है कि वो वॉल्टर ही है जो कि 15 साल से इसी गेम में फंसा हुआ था। तो सिमिलैरिटीज दोनों मूवीज के प्लॉट में बहुत ही ऑब्वियस है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि एक में जंगल एडवेंचर है तो एक में स्पेस एडवेंचर। अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है मैं बता देता हूँ। तो ये दोनों ही मूवीज बेस्ड है दो बुक्स पे, जिसको लिखा था क्रिस वैन एल्सबर्ग ने। उन्होंने 1981 में जुमांजी लिखी और इसी पे बेस्ड 1995 में मूवी बनी। इसके बाद क्रिस ने 2002 में अपने जुमांजी बुक का सीक्वल लिखा ज़थूरा, जो कि जुमांजी की स्टोरी के जस्ट बाद स्टार्ट होती है, और इसी पे बेस्ड मूवी 2005 में रिलीज हुई। और उस बुक में रिवील हुआ कि ये दोनों ही बोर्ड गेम एक साथ ही थे। जब जुमांजी की स्टोरी में जूडी और पीटर गेम को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके ठीक बाद यही गेम डैनी और वॉल्टर को मिलता है। डैनी को जुमांजी में इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन इस गेम के ठीक नीचे एक दूसरा बोर्ड गेम रहता है ज़थूरा, और यहीं से ज़थूरा की स्टोरी स्टार्ट होती है। बुक में तो यार ये भी मेंशन है कि डैनी और वॉल्टर का घर जूडी और पीटर के घर के बगल में होता है, बेसिकली वो दोनों नेबर्स होते हैं। वैसे इन सब डिटेल्स को मूवी में कहीं भी नहीं दिखाया गया, लेकिन जब ज़थूरा रिलीज हुई तो इस मूवी का मार्केटिंग जुमांजी के सीक्वल की तरह किया गया था। तो हाँ, ज़थूरा ऑफिशियली जुमांजी फ्रेंचाइज का ही पार्ट है, दोनों सेम यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। बट ज़थूरा के डायरेक्टर जॉन फेवरियो का कहना है कि उन्होंने इस मूवी को जुमांजी के सीक्वल की तरह नहीं बनाया था, बल्कि इसका डायरेक्शन एक स्टैंड अलोन मूवी की तरह किया गया था। इसलिए ज़थूरा और जुमांजी के मूवीज में कहीं भी एक दूसरे का रेफरेंस नहीं दिया जाता। ओरिजिनल बुक के राइटर का भी यही कहना है कि भले ही ये दोनों स्टोरीज बुक में कनेक्टेड हैं, बट अगर मूवीज में अलग भी रहेंगे तो उन्हें कोई इशू नहीं है। बट सोनी पिक्चर्स ने ज़थूरा के प्रमोशन के लिए इसका कनेक्शन जुमांजी से दिखाया था, तो इसलिए ज़थूरा भी ऑफिशियली जुमांजी यूनिवर्स का पार्ट है। अब आप व्यूअर्स पे डिपेंड करता है कि आप इस मूवी को कैसे देखना चाहते हो। पर्सनली यार मैं तो चाहता हूँ कि इस यूनिवर्स को और अच्छे से एक्सपेंड किया जाए, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और एक्सपेंशन होगा तभी हमें इसमें ज़थूरा, जुमांजी सबके सीक्वल्स देखने को मिलेंगे। आप लोग का क्या सजेशन है कमेंट जरूर करना, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। जुमांजी के सारे मूवीज का स्टोरी समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और आरडीजे के बेस्ट मूवीज के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं फिर से किसी और वीडियो में सुनाई दूंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।